हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग मुझसे पूछे कि ऐसा कौन सा वीडियो है जिसे शेयर करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने चैनल पे, तो वो है यही वीडियो जिसे आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया है टाइटल और थंबनेल देख के। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ह्यूज एम्प्टी प्रोडक्ट। हाँ, इस बार मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट के जो खाली बॉक्सेस थे उन्हें स्टोर करके रखा है, और कुछ तो ऐसे हैं जो मैंने थ्रो कर दिया क्योंकि मैं उस टाइम पे भूल गई थी कि मुझे इसके भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने होते हैं। बट काफ़ी प्रोडक्ट मैंने इस बार इकट्ठा करके रखे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं वो प्रोडक्ट जिन्हें मैंने फाइनली फिनिश कर दिया है, यूज़ कर लिया है, या कैसे हैं वो प्रोडक्ट, या मेरा फाइनल रिव्यू क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगी या मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। पॉइंट नंबर वन, इन प्रोडक्ट को जो कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इन्हें मैंने एक महीने में या दो महीने में फिनिश नहीं किया है। किसी किसी प्रोडक्ट को तो 6 महीने और 1 साल भी लग गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो फिनिश करने में आपको कितना टाइम लगेगा। दूसरा, किसी किसी प्रोडक्ट के पीछे कुछ स्टोरी है जो कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। मैं स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और एक एक करके मैं सारे एमटीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला प्रोडक्ट है हिमालय का ये प्योरीफाइंग नीम फेस पैक जो कि है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इस प्रोडक्ट को मेरे चैनल पर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसे लास्ट जो अभी गया दिसंबर में बाय किया था और 2 से 2.5 महीने ही चले थे ये, क्योंकि ये छोटा पैक है, मतलब छोटा नहीं है, मीडियम साइज है, तो यूज़ भी मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली करती हूँ, तो ये जल्दी फिनिश हो गया। अगर आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन कैटेगरी में आती हैं, आपकी स्किन हमेशा डल और टायर्ड दिखती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो इस फेस पैक को एक ट्राई जरूर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि हर प्रोडक्ट को आपकी स्किन पे वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ ही इस प्रोडक्ट को यूज़ करिए। वैसे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने फैमिली में, 90% के सभी की स्किन के लिए सूटेबल है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है, 80 रुपीज़ में आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, ट्राई आउट कर सकती हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक फेस वॉश जो कि है डॉक्टर सखियाज का विटामिन सी फेस वॉश। इसका जो प्राइस है वो है 399 रुपीज़। इसमें आपको 150 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है और ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन कोई सी भी हो, आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप डल स्किन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी स्किन पे बिल्कुल भी ब्राइटनेस नहीं रहती है, काफ़ी आपकी स्किन डल है, तो आप इस फेस वॉश को ट्राई आउट कर सकती हैं। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि फर्स्ट यूज़ से, लेकिन हाँ, ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, जो डलनेस होती है वो दूर कर देता है, अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। फिलहाल काफ़ी माइल्ड फेस वॉश है, अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई आउट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है केस किंग शैम्पू। एक्चुअली ये तो मुझे किसी प्रोडक्ट के साथ फ्री मिला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसके 2 साइज़, लेकिन इसका जो इससे बड़ा साइज आता है मैंने उसे बाय किया था सिर्फ ये ट्राई आउट करने के लिए कि जितना मैंने इसके एडवर्टाइजमेंट देखे हैं कि हाँ, ये शैम्पू जो है वो सच में हेयर फॉल को कंट्रोल करता है या नहीं। तो फिलहाल मैंने इसे परचेज किया था और मैंने इसे यूज़ किया, तो मैं इसके इस साइज़ के 2 बॉटल, इससे बड़ा साइज़ का 1 बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ। रिव्यू जो है वो पेंडिंग है, बट हाँ, शैम्पू जो है वो ओकेज टाइप है, मतलब अगर आप ट्राई आउट करना चाहती हैं देन ट्राई आउट कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है कि हाँ, ये आपके हेयर फॉल को टारगेट करता है। फिलहाल ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका कुछ और हो सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है पैराशूट का ये कोकोनट एलोवेरा कोकोनट हेयर ऑयल। मैंने इसके 3 साइज़ ट्राई आउट किए हैं, एक सबसे छोटा साइज़, एक मीडियम और एक आई थिंक ये बड़ा साइज़ है, बट इससे बड़ा आता है या नहीं मुझे नहीं पता है। वैसे मैं बता दूं कि ये 1 महीने के नहीं है, पिछले 1 साल में मैंने ये 3 बॉटल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं।
मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने इस ऑयल को यूज़ किया है। फिलहाल अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि ये आपके बालों को लॉन्ग एंड सिल्की बनाता है समथिंग। हाँ, जो ऑयल का काम है बालों को नरिश करना, मॉइस्चराइज करना, वो काम ये बहुत अच्छे से करता है। काफ़ी अच्छा है, मतलब डिसेंट है, प्राइस भी डिसेंट है और काम भी ठीक ठाक कर देता है। तो अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं देन ट्राई आउट कर सकते। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हाइलू जेल, जो कि है हाइलोरोनिक एसिड जेल। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसका प्राइस है 270 रुपीज़, जिसमें आपको 30 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है, 30 ग्राम की। और इसका कैप जो है वो खो गया है। फिलहाल रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, आप में से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को रीज़न पता होगा। और अगर मैं इस जेल की बात करूँ, बहुत अच्छा जेल है। एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे ये जेल जो है वो इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी स्किन पे इनफ मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो मुझे ये उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वियर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा पिंपल और एक्ने निकलने लगे थे, उस टाइम पे मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छा है। रीपर्चेज की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल अभी मैं रीपर्चेज नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इन फ्यूचर रीपर्चेज जरूर करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सिंपल ब्रांड का ये रिप्लेनिशिंग रिच मॉइस्चराइजर फॉर सेंसिटिव स्किन। इसका प्राइस है 475 रुपीज़, जिसमें आपको 125 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। मॉइस्चराइजर काफ़ी डिसेंट है। देखिए, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है देन आपको ये बहुत पसंद आएगी, लेकिन अगर आप मेरी तरह ऑयली कैटेगरी से आते हैं तो विंटर टाइम के लिए ये परफेक्ट है, बट समर सीजन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। थोड़ा सा ये आपके फेस को ऑयली, ग्रीसी या चिपचिपा बना सकता है, बाकी विंटर सीजन के लिए परफेक्ट है। जहाँ तक रही बात रीपर्चेज की, नहीं, मैं इसे रीपर्चेज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है। मैं ये नहीं कहूँगी बेकार है, बट ऐसे कुछ खास पसंद नहीं आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट बारी आती है एक बॉडी लोशन की, जो कि है सेबा मेड से, और ये बॉडी लोशन बेबीज़ के लिए है। इसका जो प्राइस है वो आई थिंक इनर पैकेजिंग पे मेंशन नहीं है, जो भी होगा वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने इसे अपनी बेबी के लिए बाय किया था, उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है, बट उसकी स्किन पे ये सूटेबल नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मैं उन्हें यूज़ करती थी इस मॉइस्चराइज़र को उसकी बॉडी पे, तो बेबी की स्किन जो है वो ऐसे सॉफ्ट और प्लम्पी नहीं फील होती थी। देन मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया, फिर मैंने इसे अपने लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वैसे काफ़ी अच्छा बॉडी लोशन है, बट थोड़ा सा प्राइसी है। इस प्राइस में हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट अगर आप बेबी के लिए बाय करना चाहते हो देन ट्राई आउट कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मेरी बेबी की स्किन जो है वो ड्राई प्लस सुपर सेंसिटिव है, तो उसकी स्किन के लिए ये अच्छा नहीं था। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है अगर आप ट्राई आउट करना चाहें तो। नेक्स्ट मैंने अपनी बेबी की स्किन के लिए एक और प्रोडक्ट बाय किया था, जो कि है एटोगला लोशन, और इसमें सेरामाइड और ओट लिपिड है, जो कि मतलब मैंने डर्मेट को दिखाया था तो उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि उसकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बट सच कहूँ तो ये भी उसकी स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन जब मैंने इसे अपने लिए यूज़ करना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी, जब भी मैं अपनी बेबी के लिए कुछ बाय करती हूँ तो मोस्टली मैं उसे अपनी स्किन पे यूज़ कर लेती हूँ, देन मैं उनकी स्किन पे ट्राई आउट करती हूँ, ऐसा सेफर साइड के लिए। और सेकेंड थिंग ये है कि एक वीक, सिर्फ एक वीक मैं उस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को अपनी बेबी की स्किन पे यूज़ करती हूँ। अगर वो सही नहीं है, मुझे उसका कुछ खास रिजल्ट नहीं दिख रहा है, देन मैं स्टॉप कर देती हूँ। और वैसे अगर आपकी स्किन पे छोटे छोटे दाने होते हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेडनेस वाली हो जाती है, कभी कभी ऐसा आपने भी फील किया होगा, देन आप इस मॉइस्चराइजर को ट्राई आउट कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। वैसे इसका जो प्राइस है वो 500 समथिंग करके कुछ है, यहाँ पे इरेज हो गया है। बाकी मेरी स्किन के लिए ये लोशन काफ़ी अच्छा था। बीच में विंटर टाइम में मेरी स्किन जो है वो थोड़ी सी वियर्ड हो गई थी, उस टाइम के लिए मैंने इसे अपने फेस पे भी यूज़ किया है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ बॉडी की ही बात नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट बॉडी लोशन है ओजोन ब्रांड से, और ये है इनका डीप हाइड्रेटिंग बॉडी लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप। और इसका जो प्राइस है वो है 415 रुपीज़, जिसमें आपको 190 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है। बहुत 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 अच्छा मॉइस्चराइज़र है।
बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर, जो भी आप कहना चाहें। अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है, विंटर सीजन के लिए आपको परफेक्ट मॉइस्चराइजर नहीं मिल रहा है, तो आप इस बॉडी लोशन को ट्राई आउट कर सकती हैं। ये बहुत अच्छे से स्किन को हील करता है, रिपेयर करता है, और वो सुपर प्लम्पी इफेक्ट जो होता है ना, इसे यूज़ करने के बाद बॉडी पे आता है। तो फिलहाल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अभी मैं इसे रीपर्चेज नहीं करूँगी क्योंकि अभी गर्मी है और मुझे इतने ज़्यादा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हल्के मॉइस्चराइजर से काम हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ डॉट एन की ब्रांड प्रोडक्ट की। तो इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है इनका विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजिंग जेल। मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में आई थिंक रिकमेंड किया था कि मैंने इसके 3 टब फिनिश किए हैं। फिलहाल ये हैं 2 टब, और ये भी मेंशन किया था कि 1 टब मेरा टूट गया था गिर के। तो फिलहाल बहुत 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 अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ऑयली स्किन की मैं बात कर रही हूँ, मैं ऑल स्किन टाइप के लिए बात नहीं कर रही हूँ। वैसे ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट मैं ऑयली स्किन की ही बात कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे ट्राई आउट ज़रूर करिएगा, आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। 595 रुपीज़ इसका प्राइस है और पैक बहुत क्यूट है। फिलहाल मैं इन्हें फेंकने नहीं वाली हूँ, मैं इन्हें यूज़ करूँगी किचन में कुछ स्टोर करने के लिए। वो फिलहाल बाद की बात है, उसे हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है इनका सेम रेंज से विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन, जिसमें आपको मिल जाता है SPF 50 PA++। और ये सनस्क्रीन ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसका जो प्राइस है वो है 495 रुपीज़। सुपर लाइट वेट ये क्रीम है, स्किन पे कोई भी वाइट कास्ट नहीं होता है। हाँ, अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, और इस टाइम की अगर मैं बात करूँ भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे फेस को देख के आपको पता चल ही रहा होगा, तो इस टाइम पे स्किन हल्की सी ऑयली फील होती है, बट उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, स्किन को ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, हल्का सा हाइड्रेटिंग इफेक्ट भी है। फिलहाल गर्मी के लिए, ऑयली स्किन के लिए इससे अच्छी सनस्क्रीन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ट्राई आउट करना चाहें देन डेफिनेटली ट्राई आउट ज़रूर करिएगा, आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट बारी आती है एक सीरम की, जो कि सेम ब्रांड से, और ये है डॉट एन की स्किन केयर का 10% विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट फेस सीरम, जिसमें आपको नाइसिनामाइड मिल जाता है 5%, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। इसका प्राइस है 695 रुपीज़। स्टार्टिंग में मुझे ये सीरम जो है वो इतना खास पसंद नहीं आया था, लेकिन जब मैंने इसे अच्छे से यूज़ किया तो मुझे पता चला कि हाँ, ये सीरम जो है वो बहुत अच्छा है। बट इसके साथ आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। विटामिन सी वाले कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो तो ट्राई करो, जब ओपन करो फर्स्ट टाइम, तो इसे ज़्यादा होल्ड मत करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे बस अपनी वैनिटी में रख दो, 4 महीने 6 महीने यूज़ करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्राई करो कि 2 महीने 2.5 महीने जितने में कंज्यूम कर सको यूज़ करके फिनिश कर दो, क्योंकि जितना टाइम आप इसे बाहर रखोगे इसका जो वर्क है, इफ़ेक्ट है, वो कम होता जाता है। दूसरा, विटामिन सी आपको दिन में यूज़ करना होता है, लेकिन इसके साथ आपको सनस्क्रीन जरूर यूज़ करनी है, अदरवाइज आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डेलिकेट हो जाती है। तो सीरम बहुत अच्छा है, इनकेस अगर आप ट्राई करना चाहें तो। नेक्स्ट बारी आती है एक मॉइस्चराइजर की, जो कि है फिजियो जेल, और ये है हाइपर एलर्जिक, और इसका जो प्राइस है, आई थिंक इसका प्राइस पैकेजिंग पे कहीं मेंशन नहीं है, बट जो भी इसका प्राइस है मैं स्क्रीन पे ट्राई करूँगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिलहाल अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एलर्जिक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा मॉइस्चराइजर ट्राई आउट करना चाहिए, तो आप इसे ट्राई आउट करिएगा। ये मॉइस्चराइजर मेरे डर्मेट ने मेरे बेबी को रिकमेंड किया था, ये आई थिंक 3rd बॉटल है, बट उन्हें यूज़ करने के बाद मैंने इसे अपनी स्किन पे भी यूज़ किया है। जब भी मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, मेरी स्किन थोड़ी सी वियर्ड बिहेव करती है कि मैं कुछ भी यूज़ करूँ और वो काम नहीं करेगा, ऐसे टाइम पे ये मॉइस्चराइजर स्किन सेवियर का काम करता है। फिलहाल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, थोड़ा सा प्राइसी है, आई गेस 599-700 समथिंग कुछ है, जो भी है आपको मिल जाएगा। और मैंने इसे हमेशा मेडिकल स्टोर से ही बाय किया है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, बट अगर होता है तो मैं दे दूँगी। हाँ, इसका जो प्राइस है वो है 600 रुपीज़, इतना बड़ा लिखा है लेकिन दिखा ही नहीं, ठीक है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर आप ट्राई आउट करना चाहें तो। नेक्स्ट बारी आती है एक ऑयल की, जो कि है फिगारो का ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल।
फिलहाल इसका जो प्राइस है वो है 325 रुपीज़, और इसमें आपको 200 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। देखिए ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी थिक होता है, तो अगर आप इसे अपने बालों में यूज़ करती हैं तो रिमूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा आपको हैवी भी फील हो सकता है। जितना मैंने यूज़ किया है भाई, मुझे तो ये ठीक लगता है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है, प्योर है। अगर आप यूज़ करना चाहती हैं तो ट्राई आउट ज़रूर करिएगा। मोस्टली इसे मैंने यूज़ किया है अपनी हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कि बाल थोड़े से लंबे हो जाएं। हालांकि कटिंग तो मैं हर तीसरे महीने पे करवा देती हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन बालों में एक हेल्दीपन आता है। बाल आपके जब अंदर से हेल्दी रहेंगे तो उनकी जो शाइन है, मॉइस्चर है, या फिर उनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी अच्छी रहेगी। बाकी ऑयल तो बहुत अच्छा है, पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बेबी मसाज के लिए सब ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप अपने लिए बाई करना चाहती हैं तो बाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है ब्लू हेवन का ये डिप एंड ट्विस्ट नेल पॉलिश रिमूवर। इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 75 रुपीज़ या 65 रुपीज़ है। बेस्ट नेल पॉलिश रिमूवर है, कोई झिझक नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप ट्रेवलिंग में यूज़ करती हो देन बहुत अच्छा है, और वैसे भी हमेशा के यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। नेल पॉलिश रिमूवर ढूंढो, कॉटन ढूंढो, तो तिकड़म करने से बहुत अच्छा है। बस ओपन करो, डिप करो, ट्विस्ट करो फिंगर को, नेल पॉलिश गायब हो गई। तो अगर आप नेल पॉलिश फैन हैं, मतलब आपको नेल पॉलिश यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, तो आप इसे ट्राई आउट कर सकती हैं। वैसे इससे अफोर्डेबल प्राइस में मुझे और कोई नहीं दिखा था, तो ये अफोर्डेबल भी है, काम भी अच्छा करता है, स्किन को ड्राई नहीं करता है, नेल्स को ड्राई नहीं करता है, और साथ ही साथ कोई वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है, इसलिए ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी कि ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है एक फेस सीरम की, और ये है मिनिमलिस्ट का नाइसिनामाइड फेस सीरम, और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक इनर पैकेजिंग पे मेंशन नहीं है, जो भी है वो आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फेस सीरम ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली आपके फेस के ब्लेमिशेस को और एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है उसे टारगेट करता है। फिलहाल मुझे ये फेस सीरम काफ़ी पसंद आया, बट आई थिंक मैंने इसका रिव्यू अभी तक शेयर नहीं किया है, बट मैं इसका रिव्यू ट्राई करूँगी कि जल्दी शेयर कर दूँ। इसमें अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो रह गया है, बट इसका जो ड्रॉपर है उसका कैप टूट गया है, इस वजह से मोस्टली मैं इसे थोड़ा सा छुपा के रखती हूँ। बाकी प्रोडक्ट अच्छा है, रीपर्चेज मैं अभी नहीं करूँगी, रीजन सिर्फ इतना है कि अभी मेरे पास आई थिंक 3 सीरम हैं, तो जिन्हें मैं फिनिश करके उसके बाद ही प्रोडक्ट बाय करूँगी। नेक्स्ट है ये द फेस शॉप का जेजू एलोवेरा जेल, मतलब प्राइसी है, 395 समथिंग या आई थिंक 400, अब प्राइस बढ़ गया हो तो मुझे नहीं पता है, प्राइसी है बट बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है। हाँ, इसमें फ्रेग्रेंस है, जब तक ये आपकी स्किन पे रहेगा तब तक इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो आपकी स्किन पे बनी रहेगी। इसमें जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी रह गया था, तो मैंने इसे अपने बालों में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और हाँ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, तो आप इस एलोवेरा जेल को अपने बालों के लिए ट्राई आउट कर सकती हैं। ये आपके बालों को इंस्टेंटली, मतलब एकदम सॉफ्ट, स्मूथ, सिल्की, वो ऐसे उड़ते हुए बाल फील होने लगते हैं। हाँ, थोड़ा सा फिल्मी है बट सच है, मतलब बालों को बहुत अच्छे से सिल्की शाइनी बना देता है। तो अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं डेफिनेटली ट्राई आउट ज़रूर करिएगा, स्पेशली अपने बालों के लिए तो आप पक्का यूज़ कर सकती हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट। अब आई थिंक सिर्फ 3 प्रोडक्ट और बचे हैं, मेरे ख्याल से मैंने सारे ही प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। सबसे पहला प्रोडक्ट है ये शिवाना कलर्स का अल्ट्रा ब्लश पैलेट। ये आई थिंक मेरा फर्स्ट परचेज था जब मैंने कोई ब्लश बाय किया था, और इसका जो प्राइस मुझे याद नहीं है, शेड है इसमें 02, और दूसरा है ये मार्स का आई शेडो पैलेट। एक्चुअली इसमें एक और आई शेडो पैलेट जो मैंने इसी के साथ बाय किया था वो भी था, बट वो आई थिंक लगता है मेरी बेटी ने कहीं छुपा दिया तो मुझे वो मिलेगा नहीं। और ये है इसकी कलर स्कीम, इसमें कोई मैट शेड नहीं है बट शाइनी शेड बहुत अच्छे हैं। इसके साथ आपको एक फुल साइज़ का मिरर भी मिलता है जो कि इसका प्लस पॉइंट है। बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो है, बहुत ही पिगमेंटेड आई शेडो है। अगर आप मेकअप करना सिर्फ सीख रही हैं तो ट्राई आउट कर सकती हैं, लेकिन मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसी बजट में मार्केट में आई शेडो पैलेट की भरमार हो गई है।
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आई शेडो पैलेट आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि मैट, शाइनी, सिमरी सारे शेड हैं, तो फिर इसे बाय करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट फिर भी इसमें भी बहुत अच्छे प्लस पॉइंट थे, शेड बहुत ब्राइट थे, कलर प्योर बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छी बात इसमें एक फुल साइज का मिरर आता है, जो कि आई शेडो पैलेट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर मैं इस पैलेट की बात करूँ तो एक्चुअली ये एक्सपायर हो गया है, अब इसे मैं थ्रो कर रही हूँ अपनी वैलिडिटी से। और दूसरी बात ये है कि मैं आई शेडो हो या फिर ब्लश हो, मैं डेली वेयर में यूज़ करती नहीं हूँ, कभी कुछ पार्टी फंक्शन शादी ब्याह हुआ तो भले ही यूज़ कर लिया, और ऐसा कोई है नहीं कि मुझे हर दूसरे दिन किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता है, तो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ हुआ ही नहीं, वो ज्यों का त्यों रह गया। सिर्फ इसमें एक ब्लश अच्छे से यूज़ हुआ है, दूसरा एक अच्छे से हाइलाइटर यूज़ हुआ है, बाकी सारे शेड जो हैं वो अनटच रह गए। वैसे रिकमेंड करने की अगर मैं बात करूँ तो मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, बट मैं करूँगी नहीं, क्योंकि आई थिंक 300 या 400 समथिंग में कुछ मिला था। हाँ, इसमें शेड काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट इस रेंज में अब मार्केट में बहुत सारे न्यू अवेलेबल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेम बाय कर। लास्ट प्रोडक्ट है लैक्मी एब्सोल्यूट का ये ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर, ये म्यूज टेक्सचर वाला है, और इसका जो प्राइस है वो जब मैंने बाय किया था वो 675 रुपीज़ समथिंग था, अभी इसका प्राइस बढ़ा है या घटा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसमें इन्होंने जेल टेक्सचर वाला भी लॉन्च कर दिया, अब तो बहुत सारे आ गए हैं, बट अगर आपको सेम जो म्यूज टेक्सचर वाला है वो मिलता है तो आप ट्राई आउट जरूर करिएगा, स्पेशली अगर आप ऑयली स्किन कैटेगरी में आती हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात, ऑयल को बिल्कुल गायब कर देता है स्किन से, दूसरा एक हल्की सी शीयर सी कवरेज भी देता है, तो अगर आप मेरी तरह हैं कि उतनी कवरेज से आपका काम चल जाता है तो आपको एक्स्ट्रा मेकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब तक ये प्रोडक्ट मेरे पास था तब तक मैंने इसे बहुत अच्छे से यूज़ किया है, अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना होता था बस मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लिया प्राइमर को, शीयर सी कवरेज होती थी, फेस हल्का सा ब्राइट दिखता था, ऑयल फ्री दिखता था, इतना मेरे लिए बहुत है। फिलहाल बहुत 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 अच्छा प्राइमर है, इन केस आप में से किसी को ट्राई आउट करना हो तो। जेल में भी अवेलेबल है, बट ऑयली स्किन के लिए जेल अच्छा है, बट हर किसी की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, जेल अपनी जगह पे अच्छा है या अपनी जगह पे अच्छा है, तो अगर आपको मिलता है तो ट्राई आउट जरूर। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसे शेयर करके मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है, क्योंकि जब भी मैं कोई एमडीज वीडियो शेयर करती हूँ ना, मुझे लगता है हाँ मेरे कुछ पैसे जो हैं वो वसूल हो गए हैं, जो कि मैंने इन्हें बाय करने में इन्वेस्ट किए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री है और मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, और आपको ऐसे कौन से वीडियोस अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।